इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं एग्जिटा कॉटन लिमिटेड के बारे में जिसने कि अपने क्वार्टर फोर के नंबर्स को पब्लिश कर दिया तो आज इनकी बीओडी की मीटिंग थी जो कि ओवर हो चुकी है तो चलिए देखते हैं कि कंपनी के इस बार के नंबर्स कैसे रहे और कंपनी की तरफ से एक स्मॉल डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट जो कि फाइनल डिविडेंड और जो डिविडेंड है वो दस पैसे पर इक्विटी शेयर का हमें देखने को मिल रहा है तो चलिए देखते हैं इस बार के कंपनी के नंबर्स कैसे रहे कंपनी का पूरा नाम है एक्जिटा कॉटन लिमिटेड और सारे फिगर लैक्स में इन करोड़ में हम लोग बात करने वाले हैं कंपनी की जो क्वार्टर फोर की अर्निंग्स है वो फर्स्ट रो में है दैन क्वार्टर थ्री का डेटा है देन मार्च 2023 की अर्निंग्स है जो पिछले साल की कंपनी की क्वार्टर फोर की अर्निंग्स है तो चलिए देखते हैं कंपनी की टोटल इनकम जो कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और अदर इनकम दोनों को आप सम कर देंगे तो आ जाएगी टोटल इनकम जो कि ईयरली वन करोड़ से टू पे आ गई तो ईयरली बेसिस पे काफ़ी मैसिव जंप हमें देखने को मिल रहा है क्वार्टर वाइज बात करें तो क्वार्टर थ्री में टू 66 करोड़ की इनकम थी वो इस बार टू ट्वेंटी आ गई तो क्यू ऑन क्यू बेसिस पे कंपनी की इनकम हमें इस बार कम देखने को मिल रही है और ईयरली बेसिस पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ इस बार रिफ्लेक्ट हो रही टोटल अगर एक्सपेंसेस की बात करें जो कि होते कंपनी के खर्चे तो 115 करोड़ से 214 पे आ गए ईयरली एक्सपेंसिस और टू से टू पे आ गए क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो क्यू ऑन क्यू इनकम कम रही तो कंपनी के खर्चे कम रहे ईयरली इनकम बढ़ी तो कंपनी के एक्सपेंसिस भी हमें इस बार बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं देन डिस्कस करते हैं आफ्टर ऑल दी एडजस्टमेंट कंपनी को प्रॉफिट या लॉस फॉर द पीरियड कितना हुआ तो मार्च 2023 वाले क्वार्टर में यानी कि क्वार्टर फोर लास्ट ईयर में कंपनी को जो प्रॉफिट था वो फाइव करोड़ फिफ्टी नाइन लैख का था वो इस बार फोर करोड़ नाइन्टी फाइव लैख पर आ गया तो ईयरली बेसिस पे प्रॉफिट हमें थोड़े बहुत इस बार कम देखने को मिल रहे हैं जबकि इनकम कंपनी की काफ़ी अच्छी ग्रो हुई है क्वार्टर वाइज बात करें तो थ्री करोड़ थर्टीन लैख से प्रॉफिट बढ़ के फोर करोड़ नाइन्टी फाइव लैख पे आ गए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफ़ी अच्छा खासा जंप है और ईयरली बेसिस पे कंपनी के प्रॉफिट में गिरावट इस बार हमें देखने को मिल रही है सेम रिफ्लेक्शन ई में देखने को मिलेगा ईयरली प्रॉफिट कम हुए तो ई भी पॉइंट से पॉइंट पे आ गया क्वार्टरली प्रॉफिट बढ़े तो पॉइंट से ई पी एस पॉइंट वन नाइन पर आ गया तो ओवरऑल दोस्तों मिक्स तरीके के रिजल्ट इस बार हमें देखने को मिल रहा है अगर कंपनी की टोटल फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी की टोटल इनकम 549 करोड़ की थी जो कि ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो डबल के करीब हमें देखने को मिल रही है और इनकम 1104 करोड़ रुपये आ गई तो इनकम काफ़ी अच्छी ग्रो हुई है साल दर साल देन अगर टोटल एक्सपेंसेस की बात करें इनकम बढ़ी तो खर्चे भी कंपनी के डबल हो गए फाइव करोड़ से वन करोड़ पे आ गए देन डिस्कस करते हैं आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट कंपनी को टोटल प्रॉफिट या लॉस फॉर द पीरियड कितना हुआ तो फाइनेंशियल ईयर तेईस में सेवनटीन करोड़ के अप्रॉक्स प्रॉफिट था वो इस बार ट्वेंटी करोड़ पे आ गया तो तीन करोड़ के अप्रॉक्स की जंप हमें साल दर साल देखने को मिल रही है सेम रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा कंपनी के ई में इस बार का ई अगर आप देखेंगे तो आपको पॉइंट थोड़ा कम देखने को मिल रहा है और फाइनेंशियल शेयर तेईस में पॉइंट सेवन था तो ओवरऑल दोस्तों ये थे एग्जिटा कॉटन के नंबर जो कि मिक्स हमें इस बार देखने को मिल रहे हैं तो आपके पास इस कंपनी के कितने शेयर्स हैं कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताएं तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और अपडेट के साथ तब तक के लिए बाय बाय